वालेकुम, जय श्री राम। आई एम योर डाइनो, यू आर वॉचिंग डाइनो एंटरटेनमेंट। सो भाई स्वागत है मेरे चैनल में, फिर से आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। और आज क्या हो गया भाई, ऑफिस से आ गया हूँ, अभी थक के सो गया, आंखों में नींद भरी पड़ी है। चेहरे पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी भाई, नींद पूरी अभी हुई नहीं है एक घंटे में। आपको पता है जब बंदा बहुत थका रहा होता है तो ज्यादा नींद आती है फिर। बट क्या हुआ, टाइम हो चुका है भाई 8:30, जिम का टाइम हो गया। सडनली एकदम आंख खुली, सड़ा अबे यार जिम जाना है। तो जिम में आज हम मारेंगे क्या, ना लेग, ना चेस्ट, ना बाइसेप, ना शोल्डर। आज हम क्या मारेंगे, आर्म रेसलिंग। आपके डायनो को आज मैं भाई एक रिवील करने जा रहा हूँ, एक अपना और हिडन टैलेंट की आर्म रेसलिंग का भी शौक है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं आपको अपने चैनल पे आर्म रेसलिंग का व्लॉग दिखाऊंगा। तो चलिए जिम में भाई, मेरे कुछ पार्टनर्स भाई, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, तो अपने टूल्स वगैरह लेते हैं एक बार, चलिए आ जाइए। तो भाई ये मेरा एक अलग से ड्रॉअर मैंने बना रखा है जिसमें मेरे आर्म रेसलिंग के टूल्स वगैरह रहते हैं। ये मैंने ये ले लिए अपने हैंडल्स, सो हैंडल्स अपने ले लिए, अभी एक हैंडल और है, आज मैं ये 3 ही लेके जा रहा हूँ। और चलिए चलें फिर जिम में। सो गाइस पहुँच चुके हैं भाई अपने जिम में, आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर पर मेरा जिम है। और भाई रश काफ़ी हो रहा है मार्केट में, और यहाँ पे मिल गया हमारा भाई, बढ़िया बढ़िया। तो चलिए चलते हैं जरा आप स्टेयर्स ये रे। सो आ गए भाई जिम के अंदर, आप देख सकते हैं हमारा जिम काफी रश हो रखा है, इस टाइम पे काफी रश रहता है। सारे हमारे बंदे भाई बंदे सारे इसी टाइम पे आते हैं जिम करने। और ये रहा हमारा भाई ट्रेडमिल साइकिलिंग कार्डियो एरिया। और ये रहे हमारे सुपरस्टार कैसे हो, हैप्पी इन एडवांस। तो भाई सब लगे पड़े हैं भाई मेहनत से, यहाँ देख लो। और लो भाई पहले व्लॉग में अगर आपको ऐसी बॉडी दिख जाए हमारे कोच की, ओए होए पोजिंग, अब मारने जा रहे चेस्ट, ओए होए। तो भाई खुश हो गए होंगे अब तो, आप कह रहे हो इसी जिम में आना बनता भाई। लो या कम ऑन, ये जो टिप्स मैंने जो दी थी उसी को फॉलो करते करते आप देख सकते हैं बॉडी बनी है, मैगी खा के बनी है लेकिन ये बॉडी। और यहाँ पे हमारे कोच के जो भाई आज का जो ट्रेन कर रहे हैं कोच, हमारे प्रिंस को ट्रेन कर रहे हैं, भाई को ट्रेन कर रहे हैं, देख लो आप इनकी बॉडी भी अब धीरे धीरे इन फ्यूचर बन जाएगी काफी अच्छी। एक बार और आपको जिम दिखाते हैं। और नितिन भाई ये बैठे नीचे शक्ल करके, ओहो स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है। एक बार जिम देख लेते हैं। और सो भाई मैंने एक बार आपको जिम दिखा दिया सारी, तो आज आर्म रेसलिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सो गाइस आर्म रेसलिंग के भाई, हम नॉर्मली पुलअप्स मारते हैं, आप देख सकते हो हाथ पकड़ के सिंपल जो पुलअप्स मारते हैं। बट आर्म रेसलिंग में हमें अपने जो ये हाथ है वो हमें ऐसे रखने होंगे, फ्रंट भी एक बार आपको दिखा रहे हैं, पकड़ा रखिए। और 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पूरा नीचे नहीं हाफ ही रहना, बिल्कुल टाइटली, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। झटका झटका भाई, जब आप जिम में आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप जाना है और अपना सामान भाई चोरी छुप के निकालना, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बंदे होते हैं सब कहते हैं भाई यार आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर दी, तो चुपके से रॉड लाया साइड में आया और भाई रॉड कॉल्स मारूंगा बॉल से लग के भाई, एक बार देखते हैं आ जाइए। तो भाई मारने जा रहे हैं अपने पहले से रॉड कॉल्स का, 10-10 की पेट आप देख सकते हैं, ये नहीं और 10-15 की खाली रॉड का वेट होता है। फाइनली मेरा
बढ़िया आ गया भाई आयान, दिखा दे अपनी रेस। और भाई आयान की इसका साइज भाई काफ़ी अच्छा, हाथ दिखाइयो, ओ हाथ भी देख रहे हो। तो भाई आप रेसिंग के जो भी मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें मेरे साथ रहता है, तो अब आ गया तो जोरदार प्रैक्टिस करते हैं, देखा वीडियो मज़ा आएगा भाई, सीखने को मिलेगा, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा लेसन होगा ये हमारा फर्स्ट व्लॉग, आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आपको, तो कीप कंटिन्यू। सो भाई जिम में भाई अगला चैंप आ गया विशाल, मेरा सेकंड पार्टनर, अभी रिसेंटली इसने भाई आर्म रेसलिंग स्टार्ट करी है, मुझे हो गए 6-7 महीने। सो ये भी बिगनर है, इससे भी सीखने को मिल रहा है कुछ आर्म रेसलिंग से, कुछ जान आई है हाथों में, है ना। तो भाई अभी एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं, अभी हमने आप देख सकते हो खड़े होके भाई रॉड कर्ल्स मारा, अब हम बैठ के मारेंगे रॉड कर्ल्स। तो चलिए मैं आपको सारे सेट नहीं दिखा रहा हूँ, बस पोजीशन देखना, हर अपनी एक्सरसाइज में आपके हाथ भाई बैंड रहेंगे, खोल के नहीं मारोगे, बैंड करके मारोगे, ओके। आर्म रेसलिंग के मैचेस दिखा देंगे आपको, ओके तो चलिए चलते हैं।
सो गाइस यहाँ पे भी मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ और आया जरा आपको एक्सरसाइज करके दिखाएगा आया रेस्ट में। हाँ सो बस गाइस क्या करना है आपको रेस्ट अपनी बस बोल बोल खोले। हाँ सो गाइस एक बार बैंड मार था और ये जो आप किसी का सोचो किसी का पंजा है और आपको अपनी बॉडी वेट के साथ नीचे लेके जाने हैं बॉडी वेट गाइस भाई आज के सेशन के हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था हमने इसलिए तो उसकी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं कपिंग। इसे कहते हैं कपिंग। शोर आपको ज्यादा होगा नेक्स्ट टाइम से मैं माइक लेके आऊंगा जिनमें सॉरी मैं बोल गया। तो कपिंग के लिए भाई ये हमारा हैंडल है ये हम अपने देख सकते हैं क्या करना है ये हमने ये फंसाया उसमें हमारा क्या होगा बस यार आज चलेगा इसमें उंगली फिंगर हमारी आगे दिखाए तो एक बार ये रखा आपने हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें क्या होगा इसमें आप दूसरे के बंदे को अपने फिंगर से उसका हाथ इतने टाइट कर दोगे पुश करने में आसानी होगी उसका हाथ अपनी तरफ। गाइस क्या होता है आर्म रेसलिंग की भी एक्सरसाइज काफी होती है जैसे आप भाई जिम करते हो शोल्डर ट्राइसेप्स बाइसेप इसकी भी काफी है लेकिन एज अ बिगनर अगर आप करते हो तो स्टार्टिंग में बेसिक एक्सरसाइज कुछ ही करो आप आने वाले टाइम में और हम ब्लॉग बनाएंगे वीडियोस में अपडेटेड भाई हाई लेवल के एक्सरसाइज सिखाएंगे। अभी आप इन्हीं को करो ट्राई और देखो आपके हाथ में जान आती है कि नहीं आती स्टार्टिंग में दो चार चीजें मारो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया डंबल कर्ल्स मारो बारबेल कर्ल्स मारो फिर आप पहले एक बंदे से पंजे लड़ाओ अपने जिम में या कहीं भी हो एक महीने एक्सरसाइज करने के बाद लड़ाओ देखो इम्प्रूवमेंट आता है कि नहीं है फिर हमें बताइएगा वीडियो अच्छे से नहीं है तो चलिए इसे मारते जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 So guys, भाई रेस्ट की एक्सरसाइज और फिर खत्म आप लेते हैं थोड़ा पंजा लड़ा लेते हैं देखते हैं भाई कैसे कैसे मूव होते हैं यहाँ पे। तो हमारा छोटा आ गया गंडा जी आ गया अभी हमारे पास टेबल नहीं है तो उसी को अपने भाई टेबल समझ लेते हैं। हाँ तो सीनियर वाले रेस्ट रह गए गेट सेट गो लगाता तो आपको यहाँ पे बंदा का सामने वाला जान लगाया था हुक लगा लेना है ये चीज हुक होती है तो रेस्ट लेना है ठीक है चलो काफी जान लगा दी भाई लड़के ने मजा आ गया जा तू जा जल्दी जा भाई ये जा जा तो भाई हमारा आ गया कंप्लीटेड है ये भाई बढ़िया टक्कर देगा लड़का हमारा चलो गेट सेट हो हल्का सा खींच गया ये मेरा हाथ जा रहा है आप देख सकते जा रहा है और ये टॉप रो तो यहाँ पे आपका ऐसे पुल करके रखना है वरना आप टॉप रोल भी लगा सकते हो लगा जा सकते और ये खाता लेफ्ट ही हमारा तो लेफ्ट जान काम की इसके अंदर तो गाइस यहाँ हार जीत तो कोई नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर आप आर्म लेसिंग की एक्सरसाइज करते तो वो अलग लेवल की एक्सरसाइज होती है बॉडी बिल्डिंग हमारी अलग होती है आप देख सकते हो डाइनो का साइज भी 60 हो चुका है भाई बाइसेप्स का ये सब ट्रेंड हो जाएंगे सो गाइस पंप हो चुके भाई मेरी देखो ये कट आ चुके हैं
इस पे, और धीरे धीरे जल्दी हम रेस में आम रेस में स्टार्ट करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल पे जाएंगे कॉम्पिटिशन करने। तो वीडियो को सपोर्ट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी तक वीडियो देखोगे अच्छी अच्छी, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय। हमारे सारे भाइयों का ईद है, थोड़ा लेट हो गया जिम जाने के लिए, हम आम रेस की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी करते हैं, रोजे खत्म हो चुके हैं, मंडे से भाई प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार जरा अपने घर को भी लगा देते हैं, आप रेस में आइए। और ये हाथ हमने अंदर कर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया। ये चीज तो आप देख सकते हैं पोजीशन कैसी है। हमारे लड़के में काफी जान है, फेस के एक्सप्रेशन दिखाओ आप। तो आ जाओ, अगला आ जाओ। तो इस वक्त हम हाथ खोल के लड़ाएंगे, चलो खोल। गेट सेट गो। और ये यार अपना हाथ इतना मजबूत रखना है कि सामने वाला बंदा हिला ही ना पाए। अब देखो टॉप रोल मारते हैं।